इस बीच आप उसी दिन लेंगे लोकसभा, वहां पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं। आपने बड़ा सपना दिखाया मेक इन इंडिया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी मिले हमें। और अगर कोई सभापति महोदय कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो 10 साल में, कोई IIM मिला हो, कोई IIT मिली हो, और जो IIIT किसी समय पर उत्तर प्रदेश को मिली थी, क्या उसमें क्या सहयोग सरकार की तरफ से हुआ है? न केवल ये संस्थाएं बल्कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल की तरफ से कौन सी नई आ गई? मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ा संस्था आई हो, जो 2 एम्स आए हैं, मुझे याद है कि रायबड़ी का एम्स भी समाजवादी सरकार में जमीन दी गई, उसके परिणाम है कि वह एम्स बन गया। गोरखपुर में भी जो एम्स आया, समाजवादी सरकार थी, जमीन दी गई तब एम्स आया। कोई और जो एम्स आ भी गए हैं अगर वहां दो, क्या उनमें पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है? केवल यही नहीं, मेक इन इंडिया सपना तो ये दिखाया गया था कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरियां मिल जाएंगी। कुछ हद तक तो बहुत सी चीजें प्राइवेटाइज हो गई, लेकिन नौकरियां कम होती चली गई। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो PDA परिवार के लोगों को जो हक और सम्मान मिलता है, क्या ये सरकार वो दे पा रही है? टैक्स कलेक्शन में सपना दिखा रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, आखिरकार एक्सपोर्ट क्यों कम होता चला जा रहा है? और हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे? दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी बोर्ड से हारे हैं, बोर्ड से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को, तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती हैं कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था, और उस बस में 35 लोग बैठ करके अयोध्या आए थे। सभापति महोदय, उस समय भी मैंने मांग की थी कि जहां से जनकपुर से यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में आएंगे। मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर के अयोध्या तक एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, कि कम से कम जो जनकपुर से आए और अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ परेशानी तो कम होती। जो आप कहते हैं कि FDI बहुत आया है, मैं अभी सुन रहा था, कहा कि टेलीफोन बनने लगे,
टेलीफोन बन नहीं रहे हैं, मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी, उसके तहत आई थी। वो इंडस्ट्री जितनी आई है उस समय उस पॉलिसी के तहत आई, और बन नहीं रहा है, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। लेकिन जमीन किसने दी है, जमीन किसने दी थी उन लोगों को? बिना जमीन पर हवा में बना दो तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। उस पॉलिसी के तहत वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। आप कह रहे हैं कि एफडीआई लाए हैं हम लोग, एफडीआई, अगर पूरे देश का हम एफडीआई देखें तो उत्तर प्रदेश को कितना एफडीआई मिला है? सभापति महोदय, अगर 1% से ज्यादा भी एफडीआई उत्तर प्रदेश को मिला हो तो बताइएगा आप। जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन हो रही है, उसका जिम्मेदार सभापति महोदय कौन है? डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदय, यहां जितने माननीय सदस्य हैं सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन टेक्नोलॉजी का पार्ट अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है, हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेस वे दिया है। हाँ जी, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से बन रहा है। बहुत पहले से बन रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या दिया आपने, मैं ये कहता हूं कि अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे दे रहे हैं केवल बिहार के लोगों को खुश करने के लिए, मैं उससे सहमत हूं कि आप बिहार की तरक्की के लिए एक्सप्रेस वे दें, लेकिन जो पखनपुरा जो आखिरी गांव है जहां पर छूट गया है वहां से आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और हमारे स्टेट के लिए आप कोई नया एक्सप्रेस वे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारे लिए क्यों नहीं दे रहे हैं एक नया एक्सप्रेस वे? आप दिल्ली के बजट से दे रहे हैं, आप यूपी अपने बजट से बना रहा है, आप बताइए कोई यूपी को आपने एक्सप्रेस वे दिया हो? कोई एक्सप्रेस वे नहीं दिया। और मैं तो कहूंगा और याद दिलाइएगा अपनी सरकार को, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था, अभी बताएंगे आपको उसका भी सभापति महोदय, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया सरकार ने।
उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो दिल्ली के बजट का नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि दिल्ली के बजट से कोई एक्सप्रेस वे मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर करके वापस लौटे, अब रिपेयर का पैसा कौन देगा? वो आज भी रिपेयर मांग रहा है।